वहीं खबर राजधानी देहरादून से है, जहां चार धाम यात्रा में चलाए जा रहे कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए ग्रीन कार्ड ने इस बार बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि बीते वर्ष की तुलना में जहां पूरी यात्रा सीजन के दौरान 25,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बनाए गए थे, वहीं इस यात्रा सीजन के मात्र 15 दिन में ही 23,000 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। इसको लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष 25,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1,29,00,000 का राजस्व प्राप्त किया गया था, जबकि इस यात्रा सीजन के शुरुआती 15 दिनों में ही 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1,22,00,000 का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो बीते वर्ष करीब पूरे यात्रा सीजन के करीब का आंकड़ा रहा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अमनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और इन ग्रीन कार्ड के माध्यम से 1,22,00,000 से अधिक का रेवेन्यू आ चुका है। अगर इसके संबंध में एक आइडिया लेना है तो पिछले साल पूरी यात्रा में 25,588 ग्रीन कार्ड बने थे, जिससे 1,29,00,000 मिला था। अभी 15 दिन के अंदर ही हमारे ग्रीन कार्ड का जो 23,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और लगभग भी रेवेन्यू भी जो पिछले पूरे सीजन का है उसके नज़दीक 1,22,00,000 रुपये पहुँच